शास्त्रों में लिख दिया है अणुवणीयांसम आत्मा अणु रूप है, लेकिन फिर कह देते हैं कि मन जड़ है। अरे मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मनुष्य मरता है तो ये थोड़े ही कहा जाता है कि उसमें मन बुद्धि रह गई। मन बुद्धि की पावर निकल गई माने आत्मा निकल गई। ये मन बुद्धि की पावर में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तो मन बुद्धि और संस्कार ये तीनों शक्तियों का जो समुच्चय है वो ही आत्मा है। ये आत्मा शरीर से अलग चीज है। मृत्यु होती है तो शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। शरीर में से क्या निकल गया? हाथ पांव नाक आंख कान सब तो मौजूद रहते हैं, फिर वो चलायमान क्यों नहीं होते? जैसे मोटर होती है उसमें से बैटरी निकाल दी जाए तो मोटर चलना बंद हो जाती है। ऐसे ही ये शरीर रूपी मोटर है, इसमें आत्मा रूपी बैटरी है। वो आत्मा रूपी बैटरी अविनाशी है, अनादि है, सिर्फ उसकी शक्ति कम होती है। जब उसकी पावर ऊंची हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, तो परमपिता परमात्मा शिव रूपी बैटरी वो आकर के चार्ज करता है। और एक बैटरी को चार्ज नहीं करता है, नंबरवार मनुष्य मात्र की सब की बैटरी चार्ज करके जाता है।